नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, आज हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 11th क्लास का जो फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, 20 क्वेश्चंस MCQ को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके डिटर प्लेस भी NVS KVS में भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस में 18 के आसपास कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स तो अच्छे हैं। आपको ऊपर ध्यान देना चाहिए अपर स्टडीज़ पे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो क्या है दोस्तों? ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, सर्वांगीण विकास। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया कार्यक्रम कितने स्पर्धाओं में आयोजित किया गया? इन हाउ मेनी कैटेगरीज खेलो इंडिया प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड? तो सही बताया आपने, कितने खेलों में कराया गया इसको? तो सही बताया 16, 16। ओके, याद रखें, स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 2020 में ओलंपिक खेलों विश्व के किस शहर में खेले जाएंगे? इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड द ओलंपिक गेम्स ऑफ 2020 विल बी प्लेड? तो सब जानते हैं ये तो काफ़ी फेमस, टोक्यो ओलंपिक्स। और इसका मोटो काफ़ी बार फेमस चल रहा है इस टाइम पे, तो पक्का आने के चांस हैं। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, यूनाइटेड बाई इमोशंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 12 वर्ष की अवधि कहलाती है, द एज फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स इज कॉल्ड एज? तो क्या होती है? बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, चाइल्डहुड। फिफ्थ क्वेश्चन, एक व्यक्ति के बिना थकावट से दैनिक कार्य करने की योग्यता को डैश कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म हिज डेली टास्क विदाउट एनी फटीग इज कॉल्ड? तो सब जानते हैं, तो शारीरिक पुष्टि, मतलब फिजिकल फिटनेस, कि आप किसी काम को बिना थके बिना फटीग हुए किसी काम को करते रहें तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? The ability of our joint to do movement with greater distance with external help is called? तो आप सब जानते ही हैं इसका आंसर क्या है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी एक्सटर्नल हेल्प से करी जाती है, मतलब कि किसी की हेल्प से, किसी भी आदमी, मैन वुमेन मशीन, किसी भी चीज़ की हेल्प से करी जाती है, और एक हमारी स्टैटिक होती है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा इसके बारे में। एक आपकी स्टैटिक होती है पैसिव को छोड़ के, ठीक है। स्टैटिक में आप जानते हैं, स्टैटिक में फ्लेक्सिबिलिटी की दो होती हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक मतलब कि एक ही पोजीशन में रह के जो करते हैं, और डायनेमिक मतलब कि मोशन में रह के जो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो स्टैटिक होती हैं ये बिना किसी की हेल्प के होती हैं, जैसे कि पैसिव जो होती है हमारी हेल्प के साथ होती हैं, और स्टैटिक जो होती है बिना किसी हेल्प के होती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फॉर एन एथलीट? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खिलाड़ी के लिए प्रतिबंधित पदार्थ नहीं है? तो सही बताया, शराब को कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन या और जितनी भी फेडरेशन के उनके हिसाब से, नाडा के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जैसे अलग से एक और क्वेश्चन है, द स्किल्स विच आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड आर अनप्रेडिक्टेड आर कॉल्ड? तो ओपन स्किल्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ओपन स्किल्स मतलब कि आपकी वो स्किल्स जो आपकी जो एनवायरनमेंट की वजह से आपको बदलनी पड़े। ठीक है, जैसे हमारे कुछ गेम फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये चीज़ें हमारी इंडोर में नहीं होती हैं, आउटडोर में होती हैं, तो वहाँ पर मौसम बिगड़ता भी रहता है, हवा कभी चल जाती है कभी बंद हो जाती है, तो जो एक्शंस आपको गेम में लेने हैं तो वो आप हवा को देख के भी लोगे। ठीक है, अब अगर आपको गोल करना है तो आप हवा को देख के करोगे, तो ये आपने पहले से डिसाइड नहीं करा था, ये हवा ने आपसे उस एक्शन को डिसाइड करवाया है कि आप वो अब कैसे करेंगे, तो इसलिए वो ओपन स्किल है। अगर इंडोर में होता है तो इंडोर में विंड नहीं होती है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर आपके जो एक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं और आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे आपका यह क्लोज्ड स्किल्स होगा, तो ये काफ़ी डाउट रहता है बच्चों के स्किल्स में, तो ये क्लियर हो गया होगा अभिश। एट्थ क्वेश्चन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के तहत किसके लिए कार्य किया जाता है? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन वर्क्स फॉर, तो किसके लिए कहा जाता है? दिव्यांग के लिए आप कह सकते हैं, फॉर
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, मेंटल रिटार्डेशन है या कोई ऐसी डिसीज़ है जो पोलियो है, स्टार्टिंग से बर्थ से है, ठीक है दोस्तों। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, वो फिजिकल एजुकेशन की ब्रांच जो उन बच्चों के लिए हो जो स्पेशली उनके लिए बनाई गई है, क्योंकि वो बच्चे अगर हमारे साथ पढ़ेंगे जिनको स्पेशली नीड है किसी चीज़ की, तो उनके लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि वो भी हमारे लेवल पे पहुंच जाएं और हमसे भी ऊपर निकलें, ठीक है दोस्तों। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पैरालंपिक खेलों में भाग लेने की पात्रता किसकी है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक इंक्लूड्स, तो सही बताया आपने, डिसेबल, दिव्यांग, क्लियर आंसर है इसका। तो एक नेता का क्या कर्तव्य होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ लीडर, तो सही बताया उनको प्रोत्साहित करना, टू मोटिवेट देम, काफ़ियों को लगता है टू एडुकेट देम फॉर प्रोग्रेस, ये नहीं है, हालांकि ये है लेकिन ये बाद का पॉइंट है, ठीक है, प्रगति के लिए शिक्षित करना बाद का पॉइंट है, ये पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोच की, ना कि लीडर की। लीडर की क्या होती है, किसी चीज़ को, किसी आदमी को मोटिवेट करना। अगर आप किसी ग्रुप के लीडर हैं तो वो आपको देखते हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे वो मोटिवेट होंगे और वो भी वही काम करेंगे, सो डैट पूरी टीम वो अच्छा काम करने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन, योग क्या है, व्हाट इज़ योग, तो सबको पता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, ठीक है दोस्तों। रिवर राफ्टिंग कहाँ की जाती है, वेयर डू वी डू रिवर राफ्टिंग, तो सबको पता है बड़ी नदियों में होती है रिवर राफ्टिंग आपकी। या इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, सर्फिंग क्या होती है, तो सर्फिंग क्या है, व्हाट इज़ सर्फिंग, एक वाटर गेम है, पानी से खेलने का, पानी में खेलने का खेल है दोस्तों सर्फिंग। 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी शारीरिक बनावट नाशापति की तरह अथवा छोटे बाजू व छोटी टांगे होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पीयर शेप बॉडी और शॉर्ट लेग्स एंड शॉर्ट हैंड्स, तो कई बार बता रखा है एंडोमॉर्फ की होती हैं ये क्वालिटीज़, छोटे हाथ, छोटे पैर, रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी, छोटी वो भी, ठीक है। या इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था, वेस्ट हिप अनुपात गणना का सूत्र क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वेस्ट हिप रेशियो, तो सबको पता है कमर की परिधि और कुल्हों की परिधि, आप कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ वेस्ट अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ हिप, मतलब कि एग्जांपल मैं बताऊं तो आपके जैसे पता लगाना है आपका, और आपकी वेस्ट अगर 10 है, ठीक है दोस्तों, और आपके हिप अगर, वैसे तो हिप ज़्यादा ही रहते हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आपके हिप 10 है तो आपकी जो से रेशियो आ गया वो 2 आ गया है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो आई विश आपको थोड़ा दिक्कत ना हो रही हो। वृद्धि का एक संबंध लंबाई भार तथा डैश से है, ग्रोथ इज रिलेटेड टू हाइट वेट एंड डैश, तो किससे है, साइज से है, नाप और आकार से है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोमॉर्फ के लक्षण डैश, एक्टोमॉर्फ हैज, तो एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, बाजू व टांगे लंबी होनी चाहिए उसमें अगर एक्टोमॉर्फ होना है। 16th क्वेश्चन, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस ओलंपिक खेलों के आदर्श शब्द हैं, इनमें से सिटियस का क्या अर्थ है, सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटियस, तो क्या है दोस्तों, सही बताया आपने, सिटियस का मतलब फास्टर होता है, ठीक है, फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर होता है, पहले फास्टर, हाइयर और स्ट्रोंगर, मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस लिख दिया तो F तो डायरेक्ट इंटरलिंक है, मतलब कि F को इधर से इधर ले जाओ, ठीक है दोस्तों, और H और S को आपको थोड़ा याद रखने का, FHS, तो फास्टर आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, कई वीडियो में थोड़ा गलत बता दिया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहते ही है, ठीक है। अंतशवन का अंत अर्थ है, द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन इज, तो आपको पता ही होगा इंस्पिरेशन का मतलब O2 को लेना, टेकिंग O2, एक्सहेलेशन होता तो आप CO2 को छोड़ना कह देते हैं यहाँ पे। या इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह संस्थान के कौन से अंग में केवल शुद्ध रक्त का संचार होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सप्लाईज ओनली प्योर ब्लड, तो ओनली प्योर ब्लड किस में होता है दोस्तों, आर्टरीज में होता है, धमनियों में होता है, कई बार आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, मैंने आपको बताया था O2A में होता है और CO2V में होता है, मतलब कि वेन्स में होता है, ठीक है। तो ये तो देखो आपके सामने ये बेसिक्स चीज़ें हैं, मैंने इससे हाई लेवल लेके चलता हूँ स्टडीज़ में अपनी। 18th क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किसने किया, हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, तो किसने करा था दोस्तों, लुडविग गटमैन ने, डॉक्टर लुडविग गटमैन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खेल परीक्षण का सिद्धांत कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो सही बताया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, कंटिन्यूटी, ओवरलोड, प्रोग्रेशन, हर चीज़ आती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपकी।
20th क्वेश्चन लास्ट है आज का, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेट पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सही बताया आपने, डायफ्राम, जो ये आपके फेफड़े होते हैं ऐसे, तो इनके नीचे होता है ऐसे डायफ्राम, जब आप सांस लेते हो तो ये ऊपर जाता है, जब आप नीचे छोड़ते हो तो ये नीचे जाता है, तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है प्रेशर बना के, ठीक है, इसमें प्रेशर बनता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।